ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಯಾತಿ ಭೂಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. महाराष्ट्र बीदर ब्रांच आज एक छोटा सा एक प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसके तहत अभी हम जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है या साइबर क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनका एक छोटा सा एक हम सत्कार समारोह लिए है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, हम लोग तो शांति से रहते हैं, लेकिन हमारी शांति बनाए रखे, ये सुशासन अपने शहर में सुशासन बनाए रखे, या जैसा आप देखे कि कोविड का दौर चल रहा था, उस कोविड के दौर में सभी अपने जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी या उनका जो भी डिपार्टमेंट का स्टाफ है, पूरा 24 आवर्स वो सर्विस दे रहा था। हम लोग घर में शांति में शांति से थे, लेकिन वो लोग बाहर हमारा पूरा ध्यान रख रहे थे, कहीं से कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये एक बात है। और दूसरी बात, बहुत बार जो है हमारा जो सुशासन बना रहे, हम लोग शांति से रहे, इसीलिए बहुत सी बातें जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट पे निर्भर होती है, और वो अच्छी सी सेवाएं हम लोगों को ये करते हैं, तो वो उसका ही एक भाग हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे अधिकारियों को हम प्रोत्साहित करें, उनका भी मान सम्मान करें, और उनके कार्य की कहीं ना कहीं नोंद होना चाहिए। वो ध्यान में रखते हुए आज हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम अरेंज किया। इसमें साइबर क्राइम पुलिस के रघुवेंद्र सिंह ठाकुर सर, इन्होंने आज हमें एक बहुत सारा ये सम्मेलन में बहुत अच्छी सी जानकारी हमें दी है। और जो साइबर क्राइम होता है, जो फ्रॉड होते हैं, एटीएम फ्रॉड होते हैं, या कोई हमें कोई लिंक देके फ्रॉड करता है, ये सभी चीज़ों से कैसा बचना चाहिए, ऐसा बहुत अच्छा जानकारी आज हमने रघुवर सिंह ठाकुर साहब ने दिया है। हम टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पीआई कपिल सर से भी हमने विनती किया था, लेकिन आज वो शहर में बहुत सारी रैलियाँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, और वो उनके बंदोबस्त के लिए वो वहाँ उसमें व्यस्त थे, इसलिए वो आज समय नहीं दे पाए। लेकिन हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का में हमने इन लोगों का सत्कार किया है, वैसे हम सभी पुलिस डिपार्टमेंट के सभी के ऋणी है। धन्यवाद। ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜಾ ವಂದನೆ.